सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दिया मेरे वीडियोस को। देखिए, मेरे को कुछ सुजेशन आ रहे थे और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अपने अंदर इम्प्रूव करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे पिछले 20 सालों से, आज वो एक ग्रुप में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ग्रुप है। तो उन्होंने मेरे को सुजेशन दिया कि आप नोज़ल कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। एक फ्रेंड तो यहाँ तक था कि मतलब मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं जी, आप तो किशोर कुमार के सॉन्ग गाते थे, आप कहाँ से ये दूसरे नोज़ल का यूज़ करने लगे। मैं कहते हेल्दी डाइट कहीं ना कहीं इनबैलेंस हुई है, हम ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा गला साफ नहीं होता। टडी रीज़न कि हम बात करते हो हमारा कहीं ना कहीं नोज़ल इफेक्ट आता है। तो मैं इम्प्रूव करूँगा। आज मैं आपको देखता हूँ कि मैंने इम्प्रूव किया है। मैं ब्रेकफास्ट लेट करता हूँ, रियाज करूँगा, रिदम करूँगा, ओम का 1 घंटा उच्चारण करूँगा, बट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा कि यह गले का यूज़ हो। गला साफ होगा तो गले का यूज़ होगा। अगर गला साफ नहीं होता तब वो बातचीत में हमारा इफेक्ट आता है। देखिए, किसी भी बात को इफेक्टिव हमारा गला बनाता है। हमारा गला जो थ्रोट है वो हमारे हार्ट के पास होता है। जो नोजल नाक का काम है वो नाक को करने दो, उसका काम सांस लेना, ना कि हमारे सिंगिंग में, हमारे एंकरिंग में उसको अपना काम करने दो। और मेरा शाम को एक तरीके से मैं वीडियो शुरू करना है हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेगमेंट पे। शाम को मैं फिर डिस्कस करूँगा इस चीज़ को लेके। देखिए, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है पास्ट का। मैं देखता हूँ कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता था। किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस या लोन्स के क्लाइंट होते थे। देखिए, कुछ भी कोई भी लोन होता है उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं। आप स्टडी कीजिए, आप लिटरेचर स्टडी कीजिए, आप प्रपोजल फॉर्म स्टडी कीजिए, उसके बाद प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए, साइन खुद कीजिए, उसके बाद अपने फाइनली लोन या इंश्योरेंस करवाइए। क्या होता है, एक एजेंट का कमीशन होता है, एक एम्प्लॉय का टारगेट होता है। ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है, मैक्सिमम, सभी की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जो न्यू कमर्स हैं, जो पुराने पर्सन हैं, जो इस प्रोफेशन में परफेक्ट हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते। बहुत सारे पुराने एडवाइज़र थे, वो अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए करते हैं। वो कंपनियों से लड़ते हुए देखा मैंने, अपने क्लाइंट के क्लेम के लिए वो कंपनियों से लड़ पड़ते थे और कंपनी लास्ट मोमेंट तो क्लेम दिलवाते थे। कंपनी पे इतना प्रेशर कर देते थे, कंपनी क्लेम देने के लिए राजी हो जाते थे। पर मैं न्यू कमर की बात करूँ जिनके टारगेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कस्टमर का नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि आप फ्यूचर में आपको नुकसान ना हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ अच्छा किया जाए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल हैव अ नाइट डे।